तो वही देख रहे हैं नजारा। सो गाइस अभी मैं यहाँ से हम लेंगे टैक्सी जो पुल पार करके आगे तो हम टैक्सी लेंगे और यात्रा अली गोरीकुंड के लिए मतलब वहाँ से उसके बाद यात्रा स्टार्ट करेंगे। तो फिर हम आते थे टैक्सी देन कंटिन्यू करते आएंगे। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं यहाँ से गोरीकुंड, ठीक है। टैक्सी हमने ले ली है 50 रुपीज पर हेड, मतलब यहाँ पे पर पर्सन 50 रुपीज है। और अभी हम यहाँ से गोरीकुंड बजे देन करते कंटिन्यू, ठीक है। तो भाई हम सुबह उठ रहे हैं 4 बजे और अभी 9 बज गया, मतलब 5 घंटे हम करते रहे मस्ती मस्ती सब। तो हम निकल रहे, ठीक है, गोरीकुंड पहुँचते देन करते कंटिन्यू। बिहार से गोरीकुंड कितने किलोमीटर है? 5 किलोमीटर है बिहार से गोरीकुंड, 5 किलोमीटर है। और फिर उसके भाई आगे 5 किलोमीटर के आगे फिर हम चाय शुरू कर सकते हैं। 22 किलोमीटर ही चढ़ाई है गोरीकुंड से आगे केदारनाथ तक की 22 किलोमीटर की चढ़ाई है भाई। ये देखो तो बोल रहा ना कितने डेंजरस रूट से देख रहे हो, पूरी छोटी जगह में जगह निकाली पड़ी भाई, पूरा टूट जैसे धसी पड़ी है रोड। सो गाइस अभी हम गाड़ी से पहुंच गए यहाँ पे गोरीकुंड, ये देखो आपकी सारी गाड़ी लगी हुई लाइन से, ठीक है। तो फिर वैसे चाय स्टार्ट करेंगे तो चलते आगे, ठीक है। देखो उस गाड़ी यहाँ पे हम उतर गए, पीछे और भी गाड़ी लगी है और अभी यहाँ से हम आगे जाएंगे यहाँ से। सो गाइस ट्रैकिंग हम स्टार्ट कर चुके हैं, ट्रैक स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से 16 किलोमीटर है, ठीक है। वो भैया ने बोला 22 है बट अभी मैं बड़ा 16 किलोमीटर है, तो भी वैसे आगे जाएंगे और करते कंटिन्यू। ट्रैक स्टार्ट कर चुके हैं तो भाई जय बोलेंगे। सो गाइस देख तू मतलब ऐसा कर बिल्कुल नेचर कितना खूबसूरत है यहाँ तक वो आगे पता लगता है, देखो कितना बढ़िया लग रहा है ये चीज़ देख पा रहे हो एकदम, मतलब यार देख के ना मन दिल खुश हो गया, इतना बढ़िया नेचर है। मैं नेचर इतना खूबसूरत वीडियो आपको दिखाई दे भाई लवल और आकाश, ठीक है, राहुल और भाई ये ब्यूटी ऑफ नेचर सी भाई बहुत ही बढ़िया। सो गाइस बारिश जो है रुक गई थी, पहले तो हमने उतार दिए थे रेनकोट लेकिन अभी फिर से बारिश आ गई तो हमें रेनकोट पहनने पड़ गए। और यहाँ हम खा रहे हैं मैगी, ठीक है। देखो भाई जल्दी ये खा रहे हो, खा गया भाई, ये देखो ये मैगी खा रहे हैं हम चारों। बाकी वो यहाँ से निकल गए, उनको पता भी नहीं चला हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या कह रहे उनको ऐसे निकलते हुए बिना देखे, हाँ नहीं उनकी वीडियो आते हुए पता लगता निकल गया ना उनको देख रहे हैं और वो हमारे पास से निकले पता नहीं चला उनको देख रहे थे। तो अभी हमने भाई कवर कर लिया ऑलमोस्ट 5 से 6 किलोमीटर, अभी हमारी 10-10.5 किलोमीटर रहती है, नहीं खाएंगे देन आगे हम कंटिन्यू करेंगे ट्रैकिंग। ओके सो लेट्स गो। सो गाइस हम उस पहाड़ से और लगभग हमने कवर किया है 8 किलोमीटर के आसपास और मैं भी 8 किलोमीटर रहता है, ये है पुल, ठीक है। अब हम इस पहाड़ से जाएंगे इस पहाड़ पे इस पुल के थ्रू और ये देख लो भाई कितना तेज भाव आ रहा है यहाँ से, देख रहे हो कितना ही मतलब कितना ही तेज भाव है देखो। तो भाई ये बहुत ही बढ़िया नज़ारा देख सकते हो आप, ठीक है। अब हम इस पहाड़ पर जा रहे हैं इधर तो करते हैं भाई कंटिन्यू। सो गाइस अभी हमने लगभग कवर कर लिए 9 से 10 किलोमीटर के अराउंड, ठीक है। और भाई ये देख सकते हो आप कैसी मतलब खाई देख रहे हो कैसी कितनी ज़्यादा हुए हैं देखो। और भाई ये मौसम देखो कैसे यहाँ पे बदल रहा है, बादल नीचे आ चुके हैं। तो अभी भाई हम ऐसे कर रहे हैं कंटिन्यू, लगभग 6 किलोमीटर या 7 किलोमीटर रहते हैं तो वहाँ पहुँच के फिर भाई आपको दिखाएंगे दर्शन करवाएंगे आपको। सो गाइस देख सकते हो पीछे का कैसा है वेदर है ना। और भाई अभी हम यहाँ से रहेंगे एक शॉर्टकट एक पहाड़ी के लिए, ठीक है। और जब पहाड़ी का थोड़ा लंबा है शॉर्टकट छोटा है तो हम शॉर्टकट लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो चलते हैं। सो गाइस राहुल ने ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी है, अभी मैं भी स्टार्ट होता भाई ट्रैकिंग, आई होप यार कोई दिक्कत ना है। तो
इसको यहाँ से ऊपर जा रहा है, जा रहा है। मैं ब्लॉग ही बना रहा हूँ भाई। ठीक है भाई, चढ़ चढ़ चढ़। ठीक है, ज़्यादा ऊंचाई मतलब ज़्यादा वो टफ नहीं है, इजी है। पैर इजी रखे जा रहे हैं, इधर से इधर से जाते जा रहे हैं। इधर चढ़ाओ, चढ़ जा, चढ़ चढ़ जाओ ऊपर। वही छोटे भाई, यहाँ से चढ़ने के बाद हम छोटा सा और चढ़ेंगे बस, ये तक यहाँ से हाथ को छोटा सा। सो गाइस, अभी बज रहे हैं 7:30 और अभी यहाँ से तो 4.5 किलोमीटर और रास्ता, अभी वो ट्रैकिंग है 4.5 किलोमीटर की और अभी रहती है। और भाई अभी हम वेट कर रहे हैं, 4 बंदूक, आकाश, लवल, शुभम और मोहित, राहुल, जतिन और मैं। तो हम तो सही मतलब ट्रैकिंग कर रहे थे स्पीड से, बट पहले भी जो है सब पीछे रह गए थे तो उनके पीछे 1 घंटा वेट किया। अभी भी भाई हम यहाँ पे तकरीबन तो 9:15 पे पहुँच चुके हैं, वेट कर रहे हैं उनका। अदरवाइज हम पहुँच जाते हैं वहाँ पे 6 बजे तक, ऊपर 6 बजे तक ऊपर पहुँच जाते हम, ठीक है, मंदिर में। बट हम हो गए लेट, अभी भी इनका वेट कर रहे हैं हम। एक घंटा ऑलमोस्ट होने वाला है, ठीक है, तो अभी इनका वेट कर रहे हैं हम। पहले भी हमने सब कुछ खाया पीता वहाँ पर रस्तों में, अभी भी हमने मैगी वगैरह खाई है, ठीक है। अभी जाम खड़े हैं ऐसे 4.5 किलोमीटर और अभी रहते हैं, तो अभी हमें 7:30 यहीं बज गए, अभी इनकी वेट कर रहे हैं। अभी आएंगे फिर ये भी लोग रेस्ट करेंगे, तो मतलब मुझे लगता है रातों 10-11 बजे ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो जब मैं ऊपर पहुँचूँगा तो मैं करूँगा कंटिन्यू। भाई देख रहे हो कितनी सारी देखो भीड़ उधर से, पूरी भीड़ देखो नीचे से जा रही है, दिखाई नहीं दे रही होगी आपको, यहाँ से पूरी देखो भीड़ ही भीड़ देखो, और कहाँ तक जा रही है, पूरी पूरी देखो पीछे तक, वो ऊपर तक पूरा, मतलब ये मानो 1 किलोमीटर पूरा 1 किलोमीटर ही भेड़े ऐसे जा रही है, जा रही है। अरे कुत्ता आ गया बीच में, मैं देख रहा भेड़ ही भेड़, कम से कम एक पीछे से घोड़े आए जो मारे चले गए। सो गाइस अभी बज रहे रात के 12, मैं आ गया था यहाँ पे 10:30 बजे और ये सब आए हैं अभी, जतिन और मैं पहुँच गए, हमने ऑर्डर ले लिया, डिनर हम कर चुके हैं और पीछे आप देख सकते हो केदारनाथ मंदिर, ठीक है, रात का हम अभी आए। सो ये देखो ये रात का भी स्टे दरबार जो है, कपाट बंद है मंदिर के, अभी हम सुबह आएंगे, अभी हम जा रहे हैं होटल में, फिलहाल सुबह आएंगे तो हम दर्शन करेंगे इसके, ठीक है, तो हम सीधा सुबह मिलते हैं। सो भाई हम रेडी हो चुके हैं, बाकी रेडी हो रहे हैं, निकल चुका हूँ मैं महादेव के दर्शन करने के लिए, आपको भी करवाएंगे दर्शन। सो गाइस अभी हम ना माथे पे जो बनवाते हैं ना चंदन का, वो हम बनवाएंगे अभी। तो भाई जितने भी लगवा लिया फाइनली, हम ले रहे हैं प्रसाद, ठीक है, प्रसाद लेते हैं उसके बाद चलते हैं। यहाँ पे ना प्रसाद के अलग अलग रेट है, स्टार्टिंग जो है 50 रुपये से है और 500 तक जाता है, 200, 250, 300, 500 ऐसे है। तो अभी हम देखते हैं कौन सा वाला हम लेते हैं, ठीक है। क्या क्या भैया, चुमरी है, बेलपत्र है, सुनार है, चने हुए, पैकेट
चढ़ाने के लिए कहल है, कहने है, धूप है और ये एटीएम है ना, एटीएम यही क्लब है। चाहिए सर जी, सुबह देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के गुलाब आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और अभी प्रसाद हम कौन से थे आपको बताएंगे थोड़ी देर में। अभी यहाँ से ले रहे हैं प्रसाद, ये भाई बता रहे हैं 200 रुपये का प्रसाद है ये वाला, तो हम ये ले रहे हैं। जतिन इसमें एक रुद्राष्टी माला और ऐड करवा रहे हैं, तो वो ऐड हो सकते हैं, जैसे आप करवाने तो अपने हिसाब से बनवा सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं ले रहा हूँ भाई 200 वाला, जतिन का पड़ा 350 का, ठीक है। तो हम ये ले रहे हैं अभी 200 रुपये के, इसमें आपको मिल जाएगा गमछा, चुन्नी, प्रसाद है इसमें आपको ऐसे सिक्का मिल जाएगा, ठीक है, मतलब आपको सब कुछ मिल जाएगा। और भाई यही लगाते हैं भाई हमेशा, यहीं से लेना, रेट काफी सही है भाई के प्रसाद वगैरह के लिए भी, ठीक है। भाई हमने प्रसाद ले लिया है, मेरा प्रसाद आया है 250 रुपए का, जितने लिए 350 का। शू तो हमने यही उतार दिए, गीले थे तो यहाँ जब तक सूख भी जाएंगे। और भाई जितने प्रसाद लेना भाई बता रहे हैं, परसों यहाँ पे सारा अली खान वगैरह आए हुए थे, सारा अली खान आए थे, जानवी कपूर वगैरह, वो भी परसों यहाँ पे आए हुए थे। तो भाई देख लो सेलिब्रिटीज जाते हैं यहाँ पे, और अभी हम सबका वेट कर रहे हैं, पाँचों का बाहर आएंगे, वो भी फिर प्रसाद लेंगे, हम फिर आगे जाएंगे दर्शन करने के लिए। और भाई यहाँ पर नेटवर्क की बहुत दिक्कत है, तो जो ब्लॉग है ना मैं भी दिल्ली पहुँचने के बाद डले ऑनलाइन, ठीक है। तो भाई वेट करना, क्योंकि जो मैंने दिल्ली से निकले तब का ब्लॉग भी अभी एडिटिंग किया है, वो मैं करूँगा दिल्ली पहुँच के एडिट। नेटवर्क की बहुत ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पर, नेट नहीं चल रहा। अभी हम दोनों ने जतिन और मैंने दर्शन कर लिए हैं, खुले दर्शन हुए भाई, खुले दर्शन, कोई लाइन नहीं, कोई वेटिंग नहीं, सीधे अंदर एंट्री, को मतलब कोई भीड़ भक्का नहीं थी, खुले दर्शन हम मंदिर के अंदर ही थे। हाँ मतलब हम 15-20 मिनट तक मंदिर के अंदर ही थे, ठीक है ना भाई, बहुत खुले दर्शन हुए भाई, दिल खुश हो गया। और अभी हर हर महादेव, बाकी तो निहारे खाली जतिन और मैं, और हम जा रहे हैं भाई भैरव बाबा पे, ठीक है। और मैं बताऊँ भैरव बाबा के लिए कैसे जाना पड़ता है, हम आए थे यहाँ से, ठीक है, उस रास्ते से आए थे हम, और वो पुल है वो मैं क्रॉस किया था यहाँ पे केदारनाथ मंदिर के लिए। और अभी हम यहीं से निकले केदारनाथ मंदिर से, यहाँ से, और ये वाला जो पुल है ये आपको कनेक्ट करता है भैरव बाबा के लिए, मतलब अगर वो भैरव बाबा जाना तो यहाँ से आपको घूम के इस पुल को क्रॉस करके उस पहाड़ी पर जाना पड़ेगा। देन वो जो खड़ी एक चढ़ाई देख रहे हो आप, जो पूरा रास्ता है वो रास्ता जो है भैरव बाबा जा रहा है, तो हम चलते हैं भैरव बाबा की तरफ, ठीक है। ये हमने पुल जो है क्रॉस कर लिया, ठीक है, वो है केदारनाथ मंदिर, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है श्री भैरव मंदिर मार्ग, ठीक है। तो वो जा रहे हो तो हमें जाना है वो वहाँ तक, ठीक है, तो चलते हैं गाइस। कितनी खड़ी चढ़ाई है यहाँ की, अगर आप देख पा रहे हो तो नीचे देखो, ये देखो वहाँ से हम आए थे वहाँ से, और भाई बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, और बिल्कुल कोई ग्रिल नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है। देखो आप इस साइड कितनी, देखो व्यू, देखो आप चेक करो, व्यू चेक करो आप, कितना बढ़िया व्यू आ रहा है, वो देखो केदारनाथ मंदिर दिखाई दे रहे हैं यहाँ से, और यहाँ पे हमें जाना है ऊपर। चलते हैं यार, चलते हैं, बहुत देर लगी, चलो। जैसे देख पा रहे हो बस ये थोड़ा सा ही है, भैरव मंदिर पहुँच गए, हम थक गए यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई, देख पा रहे हो आप कितना, वो देखने में इजी लग चुकी, आप जब खड़े हो तो पता लगेगा कि आप एक ही बार में इतने ऊपर इतनी ऊँचाई पर कैसे आ सकते हो। देखिए ऐसे मंदिर कितना नीचे उड़ गया हम, वो रहा मंदिर बीच में, और ये देखो जो झरना आ रहा है वहाँ से, ऐसा लग रहा है जैसे बादलों में से सीधा दूध सा गिर रहा कुछ है ना। फाइनली गाइस पहुँच गए भैरव मंदिर, करते हैं दर्शन, आपको भी करवाएंगे दर्शन, ठीक है। धूप बत्ती जाएंगे भैरव बाबा, उसके बाद हम जाएंगे नीचे, ठीक है। भैरव बाबा कर लो आप दर्शन, भैरव बाबा के है ना, हम इतनी ऊंचाई पे आ गए, देख सकते हो आप, दिखा दो मैं आपको, ये देखो पूरा आपको यहाँ से नीचे केदारनाथ दिख जाएगा, देखो पूरा केदारनाथ दिखेगा आप, जब देखो बादल नीचे आ रहे हैं, कोहरा बढ़ रहा है, मंदिर का देखो, ये रहा मंदिर, इतना नीचे मंदिर है, और देख लो आप हम कहाँ पे हैं, देख लो गाइस यहाँ पे इतना नीचे मंदिर है, पूरे बादल नीचे आ चुके, ऊपर आए हैं, आपको व्यू दिखाऊँ ऊपर का, ये देखो आप व्यू कितना, मतलब कितना अच्छा व्यू, आप देखो कितना अच्छा व्यू है, ऊपर शांति तो कितनी है, इतना अच्छा व्यू है ऊपर, देख पा रहे हो यहाँ से, देखो आपको यहाँ से मैं व्यू दिखाता हूँ,
ये देखो कितना प्यारा व्यू है, शांति है, उसके ऊपर घोड़े देखो खा रहे कच्चे तो घास खा रहे, कितने अच्छा व्यू है। तो भाई यात्रा सफल होगी, भैरव बाबा भी आ गया, आप दर्शन करा दिए। तो भाई अभी हम अभी हम भी दर्शन करते हैं और फिर ऐसे नीचे वापस उतराई जो है स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो भाई चलते हैं।